नमस्कार फ्रेंड, SMT चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग पेनी स्टॉक्स बिलो ₹50 के कुछ स्टॉक्स, बेहतरीन स्टॉक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसका फंडामेंटल्स देखेंगे और ये स्टॉक्स आप खुद भी एनालिसिस करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो इसको लॉन्ग टर्म में खरीदना है कि नहीं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एडुकेशन पर्पस। आपको मैं सिर्फ ये स्टॉक्स का नाम बता रहा हूँ, ज़रूर एक बार आप भी रिसर्च कर लीजिएगा बिफोर यू इन्वेस्ट। और अगर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हर रोज पोस्ट करता रहता हूँ, एंड थैंक यू फॉर दैट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर है बिलो ₹50 का स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स आप बोल सकते हो, TP18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। ये स्टॉक्स एक साल में अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है, ये आपको डिस्काउंट रेट पर मिल रहा है, बट आगे जाके ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन आउटफॉर्म कर सकता है और इसको आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 7097 करोड़ के आसपास है, और अगर ईयरली कंपनी का आप रेवेन्यू देखेंगे तो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ कंपनी में दिखाई देगा। प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट कंपनी कर रहा है, एवरी साल कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ोतरी में आपको दिखाई देगा। कंपनी का नेट एसेट भी यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ोतरी नेटवर्थ में हुआ है, तो बैलेंस शीट वाइज कंपनी लुक्स वेरी गुड। अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर देखेंगे, प्रोमोटर्स के पास है करीब 61%, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है करीब 28%, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है करीब 13%, एंड हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है इसके पास करीब 1% का स्टॉक्स है। यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड भी इस स्टॉक्स में TP18 ब्रॉडकास्ट वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टेड किया हुआ है। कंपनी का जो करेंट स्टॉक्स का जो करेंट प्राइस है ₹40.85, तो इस करेंट लेवल पर भी आप एंट्री कर सकते हो, बट एंट्री करने से पहले आपका खुद का रिसर्च एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक्स जो है जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, ब्लू चिप नहीं, ये आपका पेनी स्टॉक्स है, गूगल एग्रो रिसर्च लिमिटेड रिसोर्सेस, और इसका जो करेंट प्राइस है ये भी ₹40 के आसपास ही है। करेंट प्राइस है ₹40.15। ये स्टॉक्स ने एक साल में बेहतरीन रिटर्न दिया है, करीब 186% का रिटर्न ये स्टॉक्स ने जनरेट करके दिया है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 540 करोड़ का है, और इन टर्म्स ऑफ ईयरली रेवेन्यू आप देख सकते हो हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीमेंटल मोड पर आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नेट एसेट नेटवर्थ कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, तो बैलेंस शीट वाइज कंपनी इज ओके। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रोमोटर्स के पास है करीब 70%, जो कि बहुत ही बढ़िया है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 30%, एंड FII के पास है कुछ बहुत ही कम स्टॉक्स जो कि यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे होल्डिंग करके रखा है। तो नेक्स्ट स्टॉक्स है जी मीडिया कॉरपोरेशन, ये सिर्फ ₹12 का स्टॉक्स है। एक साल में ये स्टॉक्स ने 118% का रिटर्न जनरेट करके दिया है जी मीडिया कॉरपोरेशन ने। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 593 करोड़ के आसपास, एंड कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे, कंपनी का रेवेन्यू बैलेंस शीट में अच्छा खासा रेवेन्यू भी दिखाई दे रहा है। कंपनी का अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन एंड अदर फैक्टर्स, बट फॉर लॉन्ग टर्म ये कंपनी गुड परफॉर्म कर सकता है। कंपनी का नेट एसेट भी आप देख सकते हो ये बढ़ नहीं रहा है, हालांकि 2019 एंड 2020 में थोड़ा सा कम हुआ है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास है करीब 19%, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 72%, FII के पास है 11%। इस स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ज़रूर एक बार आपका खुद भी रिसर्च कर लीजिएगा, सो दैट इट विल हेल्पफुल एंड सेव योर मनी। नेक्स्ट स्टॉक्स है संजीवनी पैरेंटल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का स्टॉक्स। ये स्टॉक्स ने एक साल में 211% का रिटर्न जनरेट किया है, बेहतरीन रिटर्न मिल गया है जिसने इस स्टॉक्स में निवेश किया था। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 22 करोड़ का, और ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 76%, प्रोमोटर के पास है 25%, एंड ये स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म में आपको निवेश कर सकते हो, बट आपको ज़रूर एक बार इस स्टॉक्स का जो रिसर्च अपने आप पर भी एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक्स है PC चंद्र ज्वेलर्स का स्टॉक्स, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स माना जाता है, ज्वेलरी सेगमेंट का स्टॉक्स है। एक टाइम ये स्टॉक ₹600 में ट्रेड करता था, बट कंपनी का जो मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के वजह से कुछ इश्यू हो गया था, तो इसलिए स्टॉक्स आज इतना भयंकर नीचे आ चुका है, और आपको ये स्टॉक्स ₹26 के आसपास अभी मिल रहा है।
स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर खरीद सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1261 करोड़। कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखें हम लोग तो रेवेन्यू देखिए, कंपनी का रेवेन्यू नीचे आ रहा है, कम होते जा रहा है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। प्रॉफिट भी कंपनी का कम हो रहा है और कंपनी का नेट एसेट लेकिन बढ़ रहा है। कंपनी का नेट एसेट यहाँ पे हर साल इंक्रीमेंटल मोड पर है, जो कि पॉजिटिव है। हालांकि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का प्रोमोटर्स के पास है करीब 55%, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 44% एंड FII के पास है करीब 1%। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये कंपनी है पीसी चंद्र ज्वेलर्स। मैं इसको काफ़ी सालों से ट्रैक करता आ रहा हूँ। अच्छा ये कंपनी एक टाइम पे तो था, बट अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है इनसाइड कंपनी, इसके लिए आपको इतना सस्ते में स्टॉक्स मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी जो है बिलो 50 रुपीज़ पेनी स्टॉक्स, वो है गोकुल रिफाइल्स एंड सॉल्वेंट। इस कंपनी ने एक साल में 104% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है 337 करोड़ से भी ज़्यादा। कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखें तो देखिए हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी हुआ है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे कमा रहा है। कंपनी का नेट एसेट भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर्स के पास है करीब 73%, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 27% एंड अदर म्यूचुअल के पास प्रोमोटर्स के पास है करीब 2% का स्टॉक्स। ये भी बढ़िया कंपनी है, इसमें आप लोग लॉन्ग टर्म लिए सोच सकते हो एंड यहाँ पे निवेश कर सकते हो। तो ये था 6 पेनी स्टॉक्स बिलो ₹50। कोई भी स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न ही मिलेगा, बट कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, सो दैट योर मनी अगर सेफ हैंड पे रहेगा तो आपको रिटर्न तो ज़रूर मिलेगा, चाहे वो टाइम लगेगा। बट ख़राब स्टॉक में निवेश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, जैसे सुजलॉन एंड येस बैंक खराब स्टॉक्स नहीं है, बट एक टाइम में आपको पता है कि येस बैंक कितना प्राइस में हुआ करता था, 500-400, वहाँ से आज को 14 रुपीज़ में मिल रहा है। तो ड्यू टू उसका जो खराब लोन की वजह से और मैनेजमेंट की वजह से। सुजलॉन भी बिल्कुल फालतू स्टॉक्स है, कोई फ्यूचर नहीं है। हालांकि जो सेक्टर है एनर्जी सेक्टर का स्टॉक्स है, काफ़ी उम्मीद था, बट ऐसे ही सबका पैसा, बहुत सारा पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ऐसे ही चला गया। और अनिल ध्रुवभाई अंबानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक्स बिल्कुल मत खरीदे, चाहे वो रिलायंस पावर हो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिलायंस कम्युनिकेशन हो, ठीक है, रिलायंस जो भी हो, अनिल ध्रुवभाई अंबानी का, मुकेश अंबानी का नहीं बात कर रहा हूँ मैं। सो अनिल ध्रुवभाई अंबानी का ADAG ग्रुप बोलते हैं, उसका कोई भी स्टॉक्स आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो कंपनी ख़राब है, बहुत सारा डेट है और कर्जे से डूबा हुआ है कंपनी, तो स्टॉक्स को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। बाकी जो स्टॉक्स में इस वीडियो में हम लोग 6 पेनी शेयर्स का लिस्ट देखे हैं, इस स्टॉक्स को आप चुन सकते हो आपने रिसर्च के बाद। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल में नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं हर रोज़ पोस्ट करता रहता हूँ। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।